साड़ी की पट्टी ले लेंगे, 5.5 या 6 इंच का ले सकते हैं आप लोग। और एक और पट्टी लेंगे हम उसी कलर का, 4 इंच का रहेगा। एक पट्टी से हम गांठ लगा लेंगे। इसके दूसरी तरफ सेफ्टी पिन लगा लेंगे, देखिए आप लोग इस तरह से। और इसी तरह हम फंदे बनाएंगे। इसी तरह हम 10 फंदे बनाएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। अब इसके बाद यहाँ से हम मोड़ लेंगे और इस फंदे में करके और सेफ्टी पिन से इस तरह से हम बनाएंगे। इस फंदे में जोड़ते हुए इसी तरह ये लाइन हम तैयार करेंगे। अब फिर हम इसी फंदे में पकड़कर इस तरह से फंदे बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे बनाएंगे एक फंदे में, और फिर इधर हम एक फंदे में एक एक फंदे बनाएंगे, देख सकते हैं। इस तरह से एक लाइन और हम तैयार करेंगे। इस लाइन में हर फंदे में एक एक फंदा बनाएंगे, और जहाँ फंदे दूर लगे वहाँ हम फंदे बढ़ाते जाएंगे, 2-2 फंदा बनाते हुए इस तरह से बड़ा डोरमेट बनाएंगे। और जब ये पूरा बन जाए तो एक पट्टी को काट लेंगे हम, और इसमें ग्रीन कलर की पट्टी जोड़ लेंगे सुई धागे से। जोड़ने के बाद अब हम इसके दूसरे तरफ सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इन फंदों में एक फंदे बनाएंगे। अब हम इस पट्टी में फंदे बनाएंगे, देखिए आप लोग इस पट्टी में हम फंदे बनाएंगे। इस तरह से हम 7 फंदे बनाएंगे। 7 फंदे बनाने के बाद इसको इस तरह से मोड़कर और हम फंदे में नोट्स लगा लेंगे इस तरह, देख सकते हैं आप लोग। अब फिर हम फंदे में फंदे बनाएंगे, 7 फंदे। 7 फंदे बनाने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर मोड़कर फिर फंदे में हम फंदे बना देंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ बनेगा। बनाने के बाद लास्ट में इस तरह से बना लें, और जो कपड़ा बच रहा है इसको कैंची से काट लें। काटने के बाद सुई धागे की सहायता से अब इसको हम सिल देंगे। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा डोरमेट है।